किसी लड़के की माँ के साथ लड़ाई झगड़े में वो जेल में गया हुआ था, माँ ने FIR दर्ज कराई थी, फिर उन्होंने उसकी जमानत करा दी। वो उसको जेल से छुड़ाने गए तो जेल ने उसकी जगह किसी और बंदे को छोड़ दिया जी। नहीं, गलती नहीं है, उसको चार गाड़ियां लेने आई हुई थी जिसको छोड़ा इन्होंने। नहीं नहीं, तो उसी के ऊपर ही बना दिया 420 का क्या मतलब है भाई? तो उसी के ऊपर बना दिया जिसको छोड़ना था। क्या देखो, दिस इज नॉनसेंस भाई। आप बार छोड़ते हो, आप 10 निशान लेते हो उंगलियों के, बॉडी का परमानेंट निशान लेते हो, आपने क्यों नहीं देखा? और ऐसे कोई अनजान कैसे छोड़ देगा भाई? और जिसको छोड़ा है उसको चार गाड़ियां पहले लेने आई हुई थी, दिस वॉज वेल प्लैंड एंड दिस कुड बी द मोडस ऑपरेंडी इन अदर केसेस आल्सो। नहीं, मेरी बात गरीब लोगों को पता ही नहीं लगता, ये तो चल के मेरे पास आ गए जी। नहीं तो ये तो आप वकील के पास गए हुए होते, दूसरी जमानत करा रहे होते, उसको कह दिया एक केस इसके ऊपर हो रहा है और नया बना दिया 420 का, कि इसने अपना बता दिया, माँ का नाम बाप का नाम बता दिया। ऐसे बताने से कभी ऐसे होता जी? उसकी उसकी बेल हुई है, उसको तो छुड़वाओ, कागज है उसके, मैंने देख लिया बेल के पेपर। नहीं नहीं, उन्होंने उसको अंदर ही जैसे भी हुआ है, पर आप उसको छुड़वाओ जी। ये तो देखो बहुत जाती है जी, गरीब आदमी को, और जिसको पकड़ा है उसको पूछो भी कौन कौन लोगों ने छुड़वाया उसको, जिसको दुड़वाया है जेल से, दुड़वाया जिसको, कौन कौन लोग शामिल है उसमें जेल पे। जमानत किसी होर कैदी दी हुई अते छड कोई होर कैदी दिता, ता मामला जेल तो सामने आया, जिथे की एक कैदी दी कहा जा रहा है कि जमानत हो जाती है, पर जमानत होने तो बाद भी जदों ओह घर नहीं पहुँचता तो परिवारक मैंबरां दे वल्लों लगातार इसकी जाँच की जाती है, तो पता लगता है कि उसकी जमानत जरूर हुई सी पर उसकी जगह पर छड्या कोई होर कैदी गया। हालांकि परिवारक मैंबरां दे वल्लों दुखी होकर जदों गृह मंत्री तक इसकी पहुँच की जाती है तो पूरा मामला साफ हुंदा है, जिस तों बाद गृह मंत्री दे वल्लों भी लगातार मौके पर ही फोन पर जेल प्रशासन नूं कड़ी फटकार लगाई जाती है, जिस दे विच उन्हां ने कड़ी कार्रवाई करन दे हुक्म भी दे दिते ने। तां मामला अंबाला तो सामने आया, जिथे कि एक कैदी की जमानत हुंदी है पर उसकी जगह दे उत्ते कोई होर कैदी छड़ दिता जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि यह पूरा प्लैनिंग दे नाल होया, क्योंकि जिस कैदी नूं छड्या गया वह पहलां तो ही उसनूं लैण दे लई चार गड्डियां मौके दे उत्ते पहुंचियां होईयां सन। हालांकि एक वड्डी कहा जा सकता है कि लापरवाही है यह जेल प्रशासन की, जिस तों बाद गृह मंत्री अनिल विज दे वल्लों भी हुण जांच दे हुक्म दे दिते गए ने। तो दस दिए कि इतों तक कहा जा रहा कि जदों यह गलती सामने आई तो अपनी गलती नूं लुकाउण दे लई जेल प्रशासन दे वल्लों जिस कैदी की जमानत हुई सी उसके उत्ते एक होर परचा ठोकता गया। हालांकि हुण इस दे उत्ते भी सख्त एक्शन जो है गृह मंत्री दे वल्लों लिया गया। आखिर की है पूरा मामला, तुसी खुद ही देख लो। बड़ा अजीब मामला है। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे बच्चे का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो जेल में चला गया था और उसकी हमने कोर्ट से जमानत करा ली, लेकिन जब हम छुड़वाने गए उसको जेल से तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया और कहते हैं गलती से छोड़ दिया। मैंने DGP प्रिजन से बात की है कि ये बड़ा संगीन मामला है, ऐसे तो किसी भी जो बड़ा क्रिमिनल है उसको छुड़ाया जा सकता है इस प्रकार से तो। और जब आप अंदर करते हो, 10 उंगलियों के निशान लेते हो, बॉडी के साइन देखते हो, तो ऐसे एक की जगह दूसरा गलती से कैसे छूट गया? एक व्यक्ति की जगह दूसरे को छोड़ना, ये गंभीर मामला लगता है और इसकी मैंने जाँच के लिए लिखा। साहब, जिसकी जगह छोड़ा गया उल्टा उसी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया 420 का। हाँ, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया ना, उन्होंने उसके ऊपर दर्ज किया, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया कि इसने अपनी जगह दूसरे को छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता, छोड़ते तो आप हो। प्रधानमंत्री जी के पास सेंटर जेल की लापरवाही के कारण आया था जी। इन्होंने हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी।
वो कैसे छोड़ दिया? सेम नाम था उसका? सेम नाम नहीं था जी, नाम दूसरा था जी, गांव का नाम दूसरा था जी, वो पंजाब का रहने वाला था जी। हाँ जी, तो आपको कैसे पता लगा? हम जी जैसे हमारे 4 तारीख को बेल हुई थी जी, हम 4 तारीख को जेल में गए जी, 4 तारीख को मैं वेटिंग पे बैठा था जी, जब जहाँ पर कैदियों को छोड़ते आते हैं जी, और उसके बाद जब हमारा लड़का बिल्कुल नहीं आया जी, तो मैं जेल के अंदर गया जी, मैंने पूछा संतरी से जी, भी अब तक वो तरसेम लाल नहीं आया जी, सनोप जगीर सिंह, उन्होंने फ़ोन करके अंदर पूछा जी, तो बोले कह रहे सारे अंदर से आ गए जी बंदे जी। फिर मैं संतरी जो जेल के गेट के पास बैठता है जी, उसके पास गया, उसने जेल की खिड़की खोली और देखा, पूछा भी हाँ भी तरसेम लाल चला गया यहाँ से? तो उसने बोला हाँ जी यहाँ से चला गया जी। तो फिर मैंने घर फ़ोन किया जी, भी तरसेम लाल आ गया घर? वो बोले नहीं जी अभी तो नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ से लेके सेंटर जेल से लेके कभी उग्रसेन चौक कभी मानव चौक बार बार मैं चक्कर लगाता रहा जी, चलो यहाँ मिल जाए, पैदल चला गया, इधर नहीं आया होगा जी, दूसरे रास्ते से जा रहा होगा घर पैदल जी। तो मैंने जगह जगह जाकर उसको तलाश किया, मेरे को रात को 11 बज गए जी। फिर जब मैंने तरसेम की माता पे फ़ोन किया, अभी मिल तो नहीं रहा जी, और सेंटर जेल वाले बोल रहे जी भी यहाँ से तो चला गया जी। तब तो तरसेम की माँ ने बोला कि चल सवेरे आ जाएगा, लड़ झगड़ के कभी कहीं और चला गया, गुस्सा आ गया होगा उसको भी, कभी कहीं अपनी बहन के पास या जीजा जी के पास या बुआ के पास मम्मा के पास कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा जी।